हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑथेंटिक इंडियन कुक एंड ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं ट्रेडिशनल डिलीशियस वन पॉट मील खीमा बिरयानी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, इसे घर पर इजीली हम बना सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। मेरे चैनल पर जो नए फ्रेंड्स हैं, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन के साथ। अगर आप बेल को क्लिक करोगे तो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचेंगी, पहले पहुंचेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए रेसिपी बनाने के लिए। पहले हम बनाएंगे खीमा ग्रेवी रेसिपी। प्रेशर कुकर में हमने यहाँ पर लिया है 100 ml कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद एक टुकड़ा दालचीनी का, एक स्टार स्पाइस और एक तेज पत्ता ऑयल में डाल दीजिए। 2 मीडियम साइज अनियंस बारीक कटे हुए डालिए और 1 मिनट के लिए फ्राई करिए। ऑनियंस फ्राई होने के बाद खीमा डाल दीजिए। खीमा मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम्स। ऑयल में खीमा भूनिए। हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए, इस तरह से भूनने के बाद 2 टीस्पून फ्रेश ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट घर पर ही बनाया है और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। खीमे को अब हम भूनेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। स्टाव मीडियम फ्लेम पर ही रखिए। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सभी स्पाइसेस खीमे में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट ऐड करिए 100 ग्राम्स दही। सभी स्पाइसेस और दही खीमे में अच्छे से मिक्स करिए। 5 मिनट्स के लिए हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड नहीं लगाना है हमें, ऐसे ही ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। बीच बीच में स्पून चलाते रहिए। वेजिटेबल्स में हमने लिया है 4 मीडियम साइज टोमेटोज, 2 पोटैटोज मीडियम साइज और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस। हम यहाँ पर वेजिटेबल्स कट कर लेंगे तब तक, और फ्राइड ऑनियंस तो ज़रूरी है बिरयानी रेसिपी के लिए। 3 मीडियम साइज ऑनियंस मैंने यहाँ पर डीप फ्राई कर लिया है। देखिए, ऑनियंस फ्राई हो गए हैं और वेजिटेबल्स भी मैंने कट कर लिया है। आलू, टमाटर, स्प्रिंग ऑनियंस, थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस मैंने साइड में रख दिए हैं, इसे मैं बाद में ऐड करूँगी खीमा कुक होने के बाद। 5 मिनट खीमा लो फ्लेम पर कुक हो गया है। इस तरह से भूनने के बाद अब हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, स्प्रिंग ऑनियंस, आलू, टमाटर। 1/2 ग्लास वाटर ऐड करिए, मिक्स करिए और प्रेशर कुकर का लिड लगा दीजिए 3 वेसल्स के लिए। देखिए, 3 वेसल्स के बाद आलू और टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, खीमा भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। मैंने यहाँ पर जो स्प्रिंग अनियंस रखे थे वो भी कट कर लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते 1/2 बंच और 1 लेमन जूस खीमे में ऐड कर दीजिए। मिक्स करिए, हाई फ्लेम पर हमें कुक करना है। ये वाटर सोक हो जाए तब तक हमें कुक करना है। बीच बीच में स्पून चलाते रहिए ताकि खीमा हमारा नीचे ना बैठे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए रेसिपी बनाइए, हमारा खीमा बिरयानी बहुत ही लजीज और टेस्टी बनेगा। देखिए, 5 मिनट्स के बाद पानी पूरा सोक हो गया है, खीमा ग्रेवी टाइप में हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे ढककर। अब हम बनाएंगे बिरयानी राइस। बिरयानी राइस में ऐड करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची, 1/2 लेमन जूस, थोड़े से पुदीने के पत्ते। 500 ग्राम्स बासमती राइस वॉश करके स्टाव पर रख दीजिए। सभी स्पाइसेस ऐड करिए, पुदीना और 1/2 लेमन जूस। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून
कुकिंग ऑयल ऐड करिए। इस तरह से सब ऐड करने से चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। बीच में स्पून चलाते रहिए, हमें 80% ही कुक करना है राइस। देखिए यहाँ पर 80% कुक हो गया है, वाटर स्ट्रेन कर लीजिए। मैंने वाटर पूरा स्ट्रेन कर लिया है। देखिए हमारे चावल खिले खिले हैं। फर्स्ट लेयर डालिए बासमती राइस। नेक्स्ट हम डालेंगे खीमा। मैंने यहाँ पर डबल लेयर बिरयानी बना रही हूँ, तो मैं हाफ खीमा ऐड करूँगी फर्स्ट लेयर में। पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे हम और फ्राइड ऑनियंस ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे चावलों का लेयर। फ्रेंड्स ये डबल लेयर खीमा बिरयानी है, तो खीमा हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और राइस 3 पोर्शंस में। चावल डालने के बाद अब हम सेकंड लेयर डालेंगे खीमा। यहाँ पर हम पूरा खीमा डाल देंगे, फ्राइड ऑनियंस डालिए, पुदीने के पत्ते डालिए। अब हम लास्ट में डाल देंगे चावलों का लेयर। सभी चावल हम डाल देंगे, फ्राइड ऑनियंस डालिए, पुदीने के पत्ते ऐड करिए। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ज़ैफ़रन फूड कलर दूध में मिक्स कर लिया है। इस तरह से डाल दीजिए ऊपर से, इससे बिरयानी का कलर बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। अब हम ऊपर से ऑयल डालेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने ऑनियंस फ्राई किया था। 4 to 5 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। अब ढककर बिरयानी हमें दम देना है। लिड को मैंने एक क्लीन क्लॉथ से इस तरह से कवर कर लिया है ताकि बिरयानी हमारे अच्छे से दम हो। हम 2 to 3 मिनट्स हाई फ्लेम पर रखेंगे और 6 मिनट्स हम लो फ्लेम पर रखेंगे, बिरयानी हमारी अच्छे से दम होगी। 10 मिनट के बाद देखिए बिरयानी हमारी दम हो गई है। अब मैं इसे निकाल कर सर्व कर बताती हूँ ये अच्छे से कुक हुई है या नहीं। देखिए हमारी बिरयानी बहुत अच्छे से कुक हुई है, दम हो गई है। डबल लेयर खीमा बिरयानी 1 पॉट मील रेसिपी। अब हम सर्व करेंगे। लग रही है ना बहुत ही डिलीशियस बिरयानी रेसिपी। फ्रेंड्स इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाइए, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ये रेसिपी किसी भी फेस्टिवल पर या फिर घर में फंक्शन पार्टी हो तो ईजिली बना सकते हो। अनियंस, लेमन और दही के रायते के साथ सर्व करिए। है ना इजी होममेड खीमा बिरयानी रेसिपी। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये खीमा बिरयानी रेसिपी 1 पॉट मील कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स हमें हौसला अफजाई देते हैं ताकि हम और अच्छे रेसिपीज बना सकें। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। शेयर कर रहे हैं ट्रेडिशनली नवाबी हैदराबादी डिश रेसिपी, बादामी भुना गोश रेसिपी मेथी फ्लेवर के साथ। रेसिपी आप लोगों को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा और आपका ये डिश परफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स भी बताती हूँ इस डिश के नाम के साथ। इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यह इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए रेसिपी बनाने के लिए, हमने यहाँ पर लिया है सॉफ्ट मटन पीसेस और मटन का वेट है 400 ग्राम्स। इसे अच्छे से वॉश कर क्लीन कर लिया है। बादामी भुना मटन गोश्त है तो बादाम होना ज़रूरी है। 50 ग्राम्स बादाम लिया है। 1 बंच मिंट लीव्स लिया है, 1 बंच धनिया पत्ता लिया है और 1 बंच मेथी लीव्स लिया है। 1 नींबू लिया है और 4 हरी मिर्च लिया है। फ्रेश दही लिया है 100 ग्राम्स।
3 मीडियम साइज ऑनियंस लिए हैं बारीक कटे हुए। और मसालों में हम कितना डालेंगे क्वांटिटी ये हम आगे बताएंगे। रेसिपी पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कुकिंग का। बादामों को हमें फाइन पाउडर बनाना है। पहले हम 15 टू 20 पीसेस बादामों को निकाल कर साइड में रख देंगे और इसे क्या करना है मैं आगे बताऊंगी। फाइन पाउडर बना लीजिए बादामों का मिक्सी जार में डालकर। देखिए मैंने यहाँ पर 15 टू 20 पीसेस निकाल कर साइड में रख दिया है। देखिए इस तरह से फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम फर्स्ट मटन को मैरिनेट करेंगे 1 आवर के लिए। एक बड़ा सा बाउल लीजिए और सभी स्पाइसेस को हम ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। यहाँ पर एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और बादाम पाउडर इसमें डाल दीजिए। दही डालेंगे अब हम। लेमन जूस, सभी मसालों को मिक्स कर लीजिए। देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन पीसेस। मटन पीसेस को मसालों के साथ इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ये प्रोसेस करने से इस डिश में बहुत ही लजीज टेस्ट आएगा, क्योंकि हम 1 आवर के लिए इसे मैरिनेट करेंगे इस तरह से मसालों में मिक्स करके। अब इसे ढककर रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 30 मिनट्स के लिए भी रख सकते हो। स्टोव पर रखिए प्रेशर कुकर। ऑयल ऐड करिए, मैंने यहाँ पर डाला है 150 ml ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद ऑनियंस को डालकर फ्राई कीजिएगा। हमें ऑनियंस को बादामी कलर आने तक फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर। देखिए बस इतना ही और ज़्यादा नहीं, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा डिश का। अब इसे निकाल दीजिए एक प्लेट में। सेम ऑयल में ऐड करेंगे हम बादाम। 15 टू 20 पीसेस जो हमने साइड में रखा था बादामों को फ्राई कीजिएगा। स्टोव मीडियम फ्लेम पर रखिए, बस इतना ही हमें फ्राई करना है। इसे भी निकाल दीजिए एक प्लेट में। अब ऑयल में ऐड करिए सेम ऑयल में मटन। मसालों के साथ जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था 1 आवर के लिए मटन को ऐड कर दीजिए। भुनिएगा 1 मिनट के लिए।
इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हमें कुकिंग करना है, तभी हमारी डिश बहुत ही टेस्टी होगी। अब हम ऐड करेंगे वाटर, 1 ग्लास वाटर ऐड किया है। मिक्स करके प्रेशर कुकर का लिड लगा दीजिए 5 to 6 vessels होने के लिए, ताकि मटन हमारा अच्छे से गल जाए। प्रेशर कुकर का वेसल्स होने तक हम करेंगे ऑनियंस को इस तरह से मैश कर लीजिए। और सभी वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया है, धनिया, पुदीना और मेथी और हरी मिर्च को इस तरह से कट किया है, क्योंकि हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से कट कर कर डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हरी मिर्च का। प्रेशर कुकर का लिड निकालिए 5 vessels होने के बाद। अब हम चेक करेंगे मटन हमारा अच्छे से टेंडर हुआ या नहीं। देखिए, मैं निकाल कर फिंगर से इस तरह से तोड़ कर बता रही हूँ। देखिए, बहुत अच्छे से गल गया है, क्योंकि हमने 5 vessels ही लगाया है और 1 hour के लिए मैरिनेट किया है। ये प्रोसेस में मटन हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। अब हमें भूनना है 5 minutes के लिए। मीडियम फ्लेम पर रखिएगा स्टाव। नेक्स्ट हमें ऐड करना है मेथी, धनिया पत्ता और पुदीने पत्ते। मैंने बारीक कट किया है छोटे छोटे पीसेस में धनिया पत्ता, मेथी और पुदीने को। हरी मिर्च भी डाल दीजिए 5 मिनट्स के लिए। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक करिए, ताकि मेथी का फ्लेवर, हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छे से इस डिश में आ जाए, मटन के साथ मिक्स हो जाए। 5 मिनट्स के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होती है। लास्ट में ऐड कर दीजिए फ्राइड ऑनियंस। ऑनियंस ऐड करने के बाद हमें अब ज़्यादा कुक नहीं करना है, 1 मिनट के लिए ही हमें कुक करना है और इस तरह से भूनते रहना है। हम जितना भूनेंगे फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। देखिए, अब यह हमारी डिश रेडी है सर्व करने के लिए। ट्रेडिशनल नवाबी बादामी भुना गोश्त रेसिपी मेथी फ्लेवर के साथ। यहाँ पर एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्रेश मेथी ना हो तो आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो। मैंने बाउल में सर्व किया है और ऊपर से ऐड करिए बादाम जो हमने फ्राई किया था। लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। आप इसे सॉल्टेड राइस के साथ सर्व कर सकते हो, पराठों के साथ सर्व कर सकते हो। साथ शेयर कर रहे हैं कोफ्ता रेसिपी, जिसे मटन बॉल्स कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, मुंह में रखते ही खुल गए जैसे। हम बनाएंगे, रेसिपी पूरा देखिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन के साथ। यह इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए रेसिपी बनाने। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 kg मटन खीमा। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। ग्रेवी बनाएंगे हम, इसके लिए लिया है 1 tablespoon बादाम, 1 बड़ा पीस कोकोनट और 1 onion। खीमे में हम डालेंगे चने की दाल 1 tablespoon और 1 onion चॉप करके। प्रेशर कुकर में डालिए खीमा। यहाँ पर फ्रेंड्स खीमा हमने आधा डाला है और रिमेनिंग हाफ हम साइड में रख दिया है, क्योंकि हम ये जब मिक्सी में डालकर फाइन पेस्ट बनाएंगे तब हम दो मिक्स कर बनाएंगे। ये है हमारी रेसिपी का स्पेशल, तो पूरा देखते रहिएगा। अब हम डालेंगे ऑनियन चॉप किए हुए, चने की दाल, 5 हरी मिर्च, नमक 1 teaspoon, 1 teaspoon लाल मिर्च। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर,
ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है, अदरक लहसुन 1 टीस्पून डाला है, 1 ग्लास वाटर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे 4 to 5 vessels होने के लिए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए। देखिए 5 vessels के बाद हमारा खीमा और चने की दाल अच्छे से गल गई है, पानी भी पूरा सोख हो गया है। इसे ठंडा होने के बाद हम मिक्सी जार में डालकर फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट मिक्सी जार में डालकर फाइन पेस्ट बनाएंगे। पका हुआ खीमा और कच्चा खीमा दो भी मिलाकर हम जार में फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब फिंगर्स पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लीजिए, छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बनाइए। साइज आप अपने मर्जी से भी रख सकते हो, छोटा हो या बड़ा। मैंने इस साइज़ के बनाए हैं कोफ्तों के साइज़। फ्रेंड्स इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपीज़ और कोफ्तों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मेरे रेसिपीज़ अगर आप लोगों को पसंद आते हो तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेल आइकॉन के साथ। बेल को अगर आप क्लिक करोगे तो मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचेंगे। देखिए मैंने इस तरह से बॉल्स बनाए हैं, सभी कोफ्तों को मैंने बना लिया है। अब मैं डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने के लिए स्टोव पर मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद कोफ्तों को हम डालकर डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिए कि स्टोव हमारा मीडियम फ्लेम पर हो। अगर हम मीडियम फ्लेम पर रखकर कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो वो अंदर तक अच्छे से फ्राई होंगे। इस तरह से स्टेप्स फॉलो करते हुए, वन बाय वन टिप्स जो हम बता रहे हैं फॉलो करते हुए बनाइए, आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी कोफ्ता रेसिपी। देखिए लाइट ब्राउन होने तक हमें कोफ्तों को फ्राई करना है। लगभग हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं फ्राई करने के लिए। अब ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। टिश्यू पेपर रखकर प्लेट में ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर पर आ जाएगा। देखिए मैंने सभी कोफ्तों को डीप फ्राई कर लिया है, लग रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। अब इसे साइड में रख देंगे हम और ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। मैं तोड़कर बताती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जैसे ही मुंह में डालेंगे तो घुल जाएंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे, कोफ्ता ग्रेवी। मैंने कोकोनट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और बादाम, ड्राई कोकोनट, ऑनियन को हल्का सा भून लेंगे पैन में डालकर, ताकि मसालों में कोई कच्चापन ना हो। देखिए इस तरह से अब मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा वाटर ऐड करिए, फाइन पेस्ट बना लीजिए। देखिए मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब स्टोव पर रखिए एक डीप पॉट, 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने और साबुत मसालों में 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 स्टार स्पाइस और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। साबुत मसाले फ्राई होने के बाद मसाले का पेस्ट डाल दीजिए और 1 मिनट के लिए इसे भूनिएगा। वन मिनट भूनने के बाद हम ऐड करेंगे 50 ग्राम्स दही, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट,
हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ढककर हम कुक करेंगे 8-10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। बीच में 2-3 बार स्पून चलाते रहिएगा ताकि मसाला हमारा नीचे ना बैठे। हाफ कुक होने के बाद हम ऐड करेंगे कोफ्ता पीसेस। फ्राई कोफ्तों को हमने ऐड कर दिया है। अब 3-4 मिनट्स के लिए हम कुक करेंगे, तब तक जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखिए इस तरह से हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है मसालों में से। अब ये अच्छे से कुक हो गया है। लास्ट में हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड किया है धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता बारीक कटा हुआ, और 4 हरी मिर्च ऐड किया है। ऊपर से डाल दीजिए, मिक्स कर स्टाव का फ्लेम बंद कर दीजिए। हमारी ये रेसिपी रेडी है सर्व करने के लिए। 10 मिनट्स के बाद हम सर्व करेंगे। ढक कर रख दीजिए 10 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से कोफ्ता मसाला ग्रेवी बनाइए। देखिए मैंने प्लेट में सर्व किया है, लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी हमारे कोफ्ता रेसिपी। इसे पराठों के साथ सर्व करिए। देखिए मैं स्पून से तोड़कर बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप टिप्स के साथ बताया है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।